প্রিয় পরম মম। हमको आज कुछ इष्ट पसंद करने के लिए बोला गया है। तो ठाकुर जी का जीवन में, हम लोगों का जीवन में ठाकुर जी का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठाकुर जी को ऑल टाइम हम लोगों को लेके चलना है। ठाकुर जी को लेके चलने के लिए हमको चाहिए कि हम लोग ठाकुर जी का पंच नीति अनुसरण करके चले। जजन जाजन इष्ट विधि सस्तैनी सदाचार, ये पंच नीति हम लोग का जीवन का स्तंभ होता है। हम लोग ये पंच नीति जब जब फॉलो करेंगे, जब जब इसको लेके चलेंगे, तब तब मानो इंसान को आगे बढ़ना ही है। जजन मतलब हो गया कि हम लोग ठाकुर जी का संपर्क जानना है। हम लोगों को ठाकुर जी को जानना है कि हम लोग कैसे ठाकुर जी को जानेंगे। ठाकुर जी को जानने के लिए चाहिए हमको ठाकुर जी का बहुत सारे पुस्तकें है, वो हम लोगों को पढ़ना है, और वाणी है वो लोग उस सब हमको समझना है, और उस समझने के बाद अपने चरित्र में उसको ढालना है। कैसे हम वो वाणी को अपने चरित्र में ढाल के अपना जीवन सुखमय करके चल सकते हैं, ये हम लोग का जाजन हो गया है। और जाजन हो गया कि हम लोग जो जो चीज सीखेंगे और जो जो चीज ये दीक्षा लेने के बाद हम लोगों का जीवन में हुआ है, वो चीज हमको दूसरों को बताना है कि तुम भी ऐसे ऐसे करो, तुम्हारा जीवन में भी बहुत सारा परिवर्तन आने वाला है। तुम जो जीवन में अभी रह रहे हो, वो जीवन से तुम इस जीवन में जो आओगे, तुम्हारा जीवन में बहुत सारा परिवर्तन होगा। जाजन के माध्यम से हम एक आदमी को सुंदर से सुंदर जीवन में ले सकते हैं। ठाकुर जी बोल रहे थे कि खुद करने से नहीं होगा, दूसरों को भी बोलना पड़ेगा। अब हम खुद जजन कर लिया, जजन नहीं किया, नहीं होगा। हमको जजन भी करना है और आदमी को जजन भी करना है। हम जितना ठाकुर जी के पास बोलेंगे उतना मेरा जजन ठीक रहेगा और दूसरे का भी जीवन सुखमय होगा। हम सुखी रहा और दूसरे का जीवन में दुख रहा, ये ठीक नहीं रहेगा। हम लोगों को सबको लेके चलना है, अगल बगल सबको जाजन मुखर करना है, ठाकुर जी के पद में ले जाना है। और इष्ट विधि, ये इष्ट विधि जीवन में डेली ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। जब जब आप ब्रह्म मुहूर्त में इसको करेंगे, आपका जीवन का जितना ग्रह दोष है कट जाएगा। इष्ट विधि करने से आदमी का चलन भी परिवर्तन हो जाता है। कोई आदमी दीक्षा लेने के बाद डेली इष्ट विधि करता है तो उसका चलन भी आपको पहचान होगा कि वो इंसान ठाकुर के कितना करीब चला गया है। एक आदमी का परिचित है कि वो कितना इष्ट विधि करता है, उसी से पता चलता है कि वो आदमी कितना ठाकुर जी के सामने चला गया, कितना ठाकुर जी के क्लोज में चला गया है। हम लोगों को सही दिशा से इष्ट विधि करना है, सही तरह से इष्ट विधि करना है। ठीक जैसे जैसे हम लोग का रिद्धि गला बोलता है, हम लोग वैसे कैसे हम लोग को इष्ट विधि करना है। इष्ट विधि आप एक आदमी सही से करेगा तो उससे ही पता चलता है कि वो आदमी ठाकुर जी के पथ में कितना आगे बढ़ गया है। कोसी को बोलना नहीं पड़ेगा ये आदमी इतना ठाकुर जी के चला गया है। इष्ट विधि से पता चलेगा वो ठाकुर जी का कितना सामने है। इष्ट विधि करने से हम लोगों का जितना ग्रह दोष है सब कट जाता है। हम लोगों के जीवन में एनर्जी आता है,
जितना हम लोग नाम करेंगे ठाकुर जी का, जितना हम लोग जी बीज मंत्र जप करेंगे और ठीक टाइम से स्थिति करेंगे, तो हम लोगों का जीवन में पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होता है। हम लोगों को पॉजिटिव एनर्जी में चलना है, नेगेटिव नहीं। स्थिति जितना की जितना टाइम से कीजिएगा, जितना टाइम से हम लोग नाम धन करेंगे उतना टाइम से देखिएगा हम लोगों का बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी का उतना प्लस पॉइंट होगा। और जितना पॉजिटिव एनर्जी हम लोग के शरीर में आएगा उतना ही हम लोग स्वस्थ और सुंदर रहेंगे। और ये स्वस्थ और सुंदर रहने के लिए ठाकुर जी बोला गया है, बोले कि सस्तैवी रहना चाहिए, आदमी को सस्तैवी होना चाहिए। सस्तैवी मतलब हो गया सुस्तैवी, मतलब हम लोगों का शरीर में, ठाकुर जी बोले कि हम लोग का शरीर एक मंदिर जैसा है। ठाकुर जी बोले कि तुम अपना शरीर को मंदिर समझ के करो। तो मंदिर में हम लोग कैसे यूज करते हैं, मंदिर में जाते हैं साफ सुथरा रहते हैं, साफ सुथरा रहते हैं मंदिर में, कुछ अपवित्र चीज हम लोग मंदिर में लेके नहीं जाते हैं, कुछ ऐसे भी अपवित्र चीज हम लोग मंदिर में भोग नहीं लगाते हैं। जैसे वैसे ही हम लोग का शरीर है मंदिर, और उस शरीर में बैठता है कौन, ठाकुर जी रहते हैं। हम लोग का दिल में ठाकुर जी रहते हैं। ठाकुर जी क्या बोलते हैं कि सत्तानुसार में क्या बोलते हैं, अर्थमान जस इत्यादि पवार आशा है हमारे ठाकुर सजी भक्त हो ना ठोकबे, तुम्हारे मध्य ठाकुर ठाकुरत्व तो ना जागले तुम्हार क्यों केंद्र हो ना ठाकुर हो ना। तो हमार मतलब हम लोग के अंदर में मेरे मेरे अंदर में ठाकुर जब जब ये होगा तो ठाकुर जी बोला कि ठाकुर कहाँ रहते हैं, हम लोग के अंदर में। तो मंदिर तो ठाकुर इसलिए बोला कि मेरा शरीर आपका शरीर मंदिर है, तो उसको क्या करना है, हम लोग को शाकाहारी खाना चाहिए, निरामिष निरामिष खाना चाहिए, एकदम निरामिष हम लोग को शाकाहारी खाएंगे तो उसमें क्या होगा, हम लोगों को पॉजिटिव एनर्जी आएगा, शरीर उतना स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहने के बाद आदमी और ज्यादा ठाकुर मुखी हो जाता है। सस्तैनी जो होता होता है सुबह सुबह जो सस्तैनी मंत्र जब जो जो जपता है तो लोगों को और एक तो एक्स्ट्रा एनर्जी आता है। स्थिति करने के बाद जो कोई लोग जो सस्तैनी करते जो जो लोग जो जो लोग सस्तैनी करते वही लोग जानते हैं कि सस्तैनी मंत्र करने के बाद जो सस्तैनी मंत्र हम लोग जो करते हैं उसमें से क्या पॉजिटिव एनर्जी हम लोग आता है। दिन भर सस्तैनी ना लेते और पता नहीं चलता, जैसे कोई चीज कितना मीठा है वो जब तक उसको अपने शरीर में उसको नहीं खाइएगा तो बाहर से उसको देखने नहीं पता चलेगा सस्तैनी क्या होता है। सस्तैनी लेना पड़ेगा, दीक्षा के बाद आदमी को सस्तैनी होना ही चाहिए। जितना आदमी सस्तैनी होगा उतना समाज में सुंदर होगा। हम लोग को आज के दिन में दीक्षा भी चाहिए सस्तैनी भी चाहिए। एक आदमी सस्तैनी हो जाएगा उसका परिवार सस्तैनी हो जाएगा तो देखिएगा तो उसका परिवार में सब कितना ठाकुर मुखी होकर चलता है। जैसे एकदम ठाकुर जी को सामने रखते हुए धीरे धीरे चलता है सब आदमी। तो सस्तैनी सबको लेना चाहिए और ज्यादा ठाकुर मुखी होना चाहिए। और सदाचार, सदाचार में तो आज दुनिया सदाचार के लिए पीछे भाग रहा है, क्योंकि क्योंकि ये जो देखिए कितना ज्यादा जो पॉल्यूटेड हो गया है दुनिया, जिसको बोलता है विश्वमय दुनिया, उसमें सदाचार होना ही चाहिए आदमी को। हम लोग कैसे सदाचारी होंगे, ठाकुर जी का सदाचार सात सदाचार के सूत्र में हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं। वो जब हम लोग ठाकुर जी सब कुछ करके गया है हम लोगों के लिए, कोई भी जगह ठाकुर जी छोड़ के नहीं गया है। ठाकुर जी का पुस्तक हम लोग जितना पढ़ेंगे, जितना हम उनका वाणी हम लोग पढ़ेंगे, एक एक विषय में ठाकुर जी अपना वाणी लिख के गया है। सिर्फ हम लोग को पढ़ना है और उसको अपने में अंदर में उसको समा रखना है। जब जब हम लोग ठाकुर जी का एक एक हम जब जाते हैं देवघर जाते हैं तो हम मेरा माधी जा के साथ बात होता है, जो देवघर का इंजीनियर जो है माधी जा के साथ बात, सिविल इंजीनियर माधी जा के साथ बात होता है, तो वही हमको बोलता है कि देखिए सिल्ला आप एक एक वाणी पकड़ के चलिएगा, एक एक वाणी पकड़ के एक एक दिन लीजिएगा और एक एक वाणी को आप अपने मन में उसको दिन भर उसको ये कीजिएगा कि
मेरे मन में उसको हर रोज उसको ये कीजिए, हर दिन दिन भर उसको चिंता कीजिएगा, सोचिएगा कि वो वाणी में मेरे जीवन में कैसे उसके लिए होता है। तो उसमें क्या होगा, आपका जीवन में वो चीज जिस एकदम वाणी तो आपके जीवन में सड़ जाएगा। इसीलिए कि हम लोग क्या कहना है कि ठाकुर जी के एक एक वाणी पकड़ के हम लोग अपने जीवन में उसको लेना है। और सबसे बड़ा बात है कि पंचनिधि चलने के लिए हमको चाहिए और एक तो चीज से होता है आचार्य केंद्रित चलना। हम लोग शिष्य आचार्य जी क्या क्या बोल रहे हैं हम लोग वही लेके चलना है, क्योंकि ठाकुर जी का मुक्त प्रतीक आचार्य देव ही होते हैं। आचार्य देव शिष्य आचार्य जो जो कुछ बोलना है हम लोग वही कुछ करना है, दूसरा कुछ सोचना नहीं है। हम लोग जो जो बोल रहा है आचार्य देव जो जो कुछ बोलेंगे हम लोग वही कुछ करना है। हम लोग कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ बोल दिया है। कैसे हम लोग पॉजिटिव एनर्जी में चलना है, नेगेटिव एनर्जी में नहीं चलना है, ऑल टाइम हम लोग पॉजिटिव में सोचना है और सौ काम चाहिए नहीं चाहिए। हम अपने लिए कुछ नहीं, ठाकुर जी के पास बोलेंगे कि ठाकुर हमको ये चाहिए, ठाकुर हमको वो दीजिए, ठाकुर मेरा ये हो जाए वो हो जाए, अपने लिए कुछ नहीं मांगना है, दूसरे के लिए मांगना है। कोई चीज तो फलता है। आचार्य देव के हर वार्ड हमको हम लोगों को लेके चलना है, तब हम लोग अच्छा सत्संगी होंगे। आचार्य वृत्ति करना है, इष्ट वृत्ति के साथ भी ये होता है आचार्य वृत्ति, आचार्य वृत्ति भी करना है। जब एक आदमी जब इष्ट वृत्ति करेंगे, सस्ते नहीं करेंगे, आचार्य वृत्ति करेंगे, ऑटोमेटिकली वो आदमी तो एकदम ठाकुर जी के क्लोज, अपने मन के मंदिर में ठाकुर जी को लेके एकदम चलेंगे। हम लोग को यही करके चलना है। ठाकुर जी का जहां जहां काम होगा वहां हम लोग को चल जाना है कि हम लोग ये काम करना ही है। कौन कर रहा है, एक्स वाई जेड नहीं देखना है। आचार्य देव का काम है, ठाकुर जी का काम है, हम लोग वहां पे चलना है। मंदिर बन रहा है या 3.5 कड़ी दीक्षा हो या 19 साल का जो स्टिविटी जो हम लोग का ये था उसे हो, जो जो वो चीज बोल रहे हैं सब कुछ हमको करना है, सब कुछ लेके चलना है, सबको लेके चलना, एक साथ लेके चलना है। कोई क्या बोल रहा है नहीं करना, आचार्य देव जो बोल रहा है हमको वही सोचना है। हम लोग का सबका एक ही केंद्र है, वो है आचार्य देव। हम लोग जब जब सबका मन का मेल का मिलन अलग हो सकता है, मेरा मन का बात उसका इसका, तो वहां पे जाके आचार्य जो जो बोल रहे हैं हमको वही करना है। मेरे जीवन में तो आचार्य देव का बहुत बड़ा ये है कि हम देखिए ये एक कहानी बोल रहे हैं कि हम जब ये सत्संग में तो दीक्षा भी ले लिए थे, हम गए थे वैष्णो देवी, तो हम वैष्णो देवी गए थे तो उस टाइम हम दीक्षा भी ले लिए थे, हम जानते भी कुछ नहीं है ठाकुर जी का जो क्या क्या है कि नहीं है, कुछ भी नहीं जानते हैं। अब वैष्णो देवी गए तो एक सत्संगी थे, तो उनका नाम है असिंदा, उनका घर हम बनाए थे, ऐसे सिविल इंजीनियर हम पेशा में सिविल इंजीनियर है, तो हम उनका घर बनाए थे। तो यहाँ पे रूपनारायणपुर में हम लोग का एक मंदिर बन रहा है, चित्तन सस्ता अभियान में एक मंदिर बन रहा है, तो उसी काम के सिलसिला में हमको फोन किया गया था। तब हम जम्मू में थे तो फोन करके असीम नाम को बोले कि सिल्ला आपको एक काम करना है, एक मंदिर बनाना है। तो ठीक है बनाएंगे। तो कहाँ बनाना है, हम बोले कि रूपनारायणपुर में बनाना है या फिर बनाना है, तो ठीक है करेंगे। हम बोले ठीक है, तो कैसे मंदिर बने, हम तो उसको जानते नहीं थे ये ठाकुर जी के बारे में, तब तो दीक्षा भी ले लिए थे। तो बोले कि एक मंदिर बनेगा आपको करना है, तो हम क्या ये कैसा टाइप का मंदिर है, ये क्या कोई बड़ा क्या कॉमर्शियल मंदिर है या जैसे, बोले नहीं नहीं हम लोग खुद पैसा उठा के ये मंदिर बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मेरा भी शर्त है, हम जब ये मंदिर बनेगा हम कोई रेमुनरेशन नहीं लेंगे, हम कुछ भी नहीं लेंगे, मतलब कुछ नहीं लेंगे, हम मंदिर का काम करेंगे। हम तो ठाकुर जी के साथ जुड़े भी नहीं थे, दीक्षा भी नहीं लिए थे,
सब लोग उधर से गुरु भाई लोग उधर से हम लोग सुन गए कि जय गुरु बोल के ये किया था। उस दिन मेरे जीवन में ऐसा घटना घटा कि हम उस दिन ठाकुर जी का काम करेंगे बोल रहे हैं, इसीलिए आज हम आपके सामने बैठ के बात कर रहे हैं, नहीं तो मेरा जीवन उसी दिन समाप्त हो जाता। मेरे ये रोटी खड़े हो रहे हैं कि बात तो मैं हम जो बोल रहे हैं मेरा रोटे तो खड़े हो जा रहे हैं कि हम कैसे बात बोलेंगे, कि उस दिन मेरा जीवन खत्म हो जाता जी। कि हम जम्मू में थे, हम लोग लौट रहे थे, मेरा पूरा परिवार था, मेरा लड़का मेरा वाइफ सब थे उसी गाड़ी ट्रेन में, हम लोग लौट रहे थे। मेरे सामने एक ट्रेन था जम्मू में आया था झेलम एक्सप्रेस और इधर था मेरा झेलम एक्सप्रेस था और इधर मेरा था, हम लोग हिमगिरी में आ रहे थे। तो झेलम एक्सप्रेस और हिमगिरी एक्सप्रेस जलंधर में एक साथ खड़ा रहा। जलंधर में क्या होता है कि झेलम एक्सप्रेस आगे चल जाता है, हिमगिरी बाद में जाता है। तो हिमगिरी छोड़ गया, कुछ 5-10 सेकंड बाद रुक गया, पीछे आ गया, झेलम को छोड़ दिया। रात को 2:30 बजे एक इमरजेंसी ब्रेक के साथ हिमगिरी एक्सप्रेस रुका और जहां पे रुका वहां पे सुबह तक था। और सुबह जब उठे एक फेरी वाले को हमको हमको पूछा कि भैया ये ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ा, तो हमको बोला कि सर वो सो रहे थे, उतर के देखे मेरे ठीक 500 मीटर दूर झेलम एक्सप्रेस डिरेल होकर पड़ा हुआ है, ट्रेन तो लाइन से चुट हो गया और बहुत आदमी उसमें कैजुअलिटी में मारे गए। देखिए हम बोले कि ठाकुर जी का काम करेंगे, इसीलिए मेरा ठाकुर जी जलंधर में मेरा ट्रेन आगे जाते हुए भी वो ट्रेन आगे नहीं गया, पीछे आ गया, दूसरा ट्रेन गया। ठाकुर जी का काम करने से ठाकुर जी साथ रहता रहते हैं, हम लोग का साथ में ठाकुर जी का काम करना है किसी भी मोड में, आप दीक्षा ले या ना ले, किसी भी सब मोड में ठाकुर जी का काम चाहिए। दीक्षा लेने के बाद भी करना है, बहुत कुछ है कि ये काम, जैसे मंदिर का काम शुरू हो रहा है, मंदिर चल रहा है, हम लोग का मेरा जीवन में बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ है। मेरा गाड़ी 7 से 8 फीट नीचे गड्ढे में गिर गया था, उसमें देवघर का महिला भी थे एक ही गाड़ी में, हम लोग 4 जन आ रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी इतना डैमेज हुआ, हम लोग 4 जन का कोई कुछ नहीं हुआ, एक भी खरोच भी नहीं आया शरीर में, क्योंकि वो आचार्य देव के प्रणाम का काम निकले थे। आचार्य देव को प्रणाम करके वर्तमान आचार्य देव और पूजनीय दादा को प्रणाम करके हम लोग उन लोगों का आशीर्वाद लेके निकले हुए थे, तो हम लोग कुछ भी नहीं हुआ, वो लोग ऑल टाइम रहते हैं हम लोग के साथ। आचार्य देव वर्तमान आचार्य देव शुद्ध गुरु से बात शुद्ध गुरु से, उनका बात जो जो बोलते वो ही फलता है। एक घटना है कि हम और मेरा जो मंदिर का जो इंचार्ज है खिलौत विश्वास था, तो हम लोग जा रहे थे देवघर, तो उसमें उस दिन क्या हम लोग को बात हुआ खिलौता ये मंदिर में हम लोग को कितना फंड है, तो खिलौता बोला कि देखिए मंदिर काम शुरू करते हुए मेरे पास 13 लाख रुपया है। हम लोग ये तो 13 लाख में तो आपका तो फाउंडेशन भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो कुछ करना है, तब हम दीक्षा भी नहीं लिए थे। हम गया पूजनीय आचार्य देव के पास खड़े हैं वर्तमान आचार्य देव के पास, तो देखिए वर्तमान आचार्य देव मेरे मुंह के ऊपर सामने ताके हुए हमको बोला कि जो फंड है आपके पास उसमें तो सिर्फ आपका भीति होगा, फाउंडेशन होगा, उसके ऊपर तो कुछ काम नहीं होगा। देखिए कितना अंतर्जामी है, हम लोगों का अंतर वाला बात उनके पास कैसे चला गया, अंतर्जामी है। आज भी हम समझते हैं कि आज जो हम जो बोल रहे हैं हम अपने भाषा नहीं बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आचार्य जो है बुलवा रहे हैं, हम लोग जो भी कुछ करते हैं उनके ही बात बोल सकते हैं, सिर्फ हम लोग चलना है आचार्य देव को लेकर चलना है और कुछ नहीं, हम लोग जजन जाजन इष्ट विधि सस्ते निषादाचार और आचार्य देव को लेके चलना है, वो जो जो कुछ बोल रहे हैं आचार्य देव शिष्य आचार्य देव उसी को लेके चलना है। देखिएगा हम लोग का जीवन में और कुछ नहीं करना है, कुछ और कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ आचार्य देव को लेकर चलना है और इष्ट विधि करना है, सस्ते नहीं करना है, आचार्य विधि करना है। और टाइम भी थोड़ा हो जा रहा है, टाइम भी हो जा रहा है, कुछ और कुछ टाइम बोल सकते हैं।
हाँ दादा बोलिए। दादा पांच मिनट और बोलिए दादा, अच्छा लगा। हम लोग को करना है कि ऑल टाइम हम लोग को आचार्य देव को लेके चलना है। देखिए हम मेरा ये मेरा एक तो फीलिंग से आप बोल रहे हैं कि मेरा एक तो फीलिंग है कि आचार्य देव मेरा तो हम तब मेरा इच्छा लेने के बाद का बात बोल रहे हैं हम ये सब। तो हम आचार्य देव के पास गया था मंदिर के काम के सिलसिले में, तो देखते हैं वर्तमान आचार्य देव बहुत लाख लाख आदमी आता है वहां पे, उनका सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो हम लोग जैसे बोलते हैं निवेदन में, इतना निवेदन करते हैं आदमी उनको सबको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हम खड़े रह के सोच रहे थे कि एक आदमी इतने आदमी का कैसे ये कर सकते हैं, ये तो कोई मामूली इंसान नहीं है, तब तो ये कौन है? ये मेरे मन में एक तो क्वेश्चन आया था तब। तो हम देवघर घर के घूम देवघर करके घूम के आ गए, तो घर में आके उस दिन सोए रात को, तो सपने में देख रहे हैं कि हम लोग सब जैसे दादा दादा जहां बैठते थे नाट मंडप, वहां पे हम लोग रात में सो रहे हुए। तो कुछ काम के लिए गया होगा रात में सोए होते, सपने में सो देख रहे रात में सोए हुए हैं। तो सुबह एक वर्तमान आचार्य देव बुला रहे हैं, उठो 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 सुबह हो गया उठो उठो करके। तो हम लोग हम मेरा जब नींद खुला तो हम जब उनके मुंह में देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि उनके शरीर में शंख पत्र बजा जैसे नारायण जी का शेष हो रहा था ना, शंख पत्र लेके गदा लेके जैसे उनका शरीर देख रहे हैं और पूरा आलोकित हो रहा है। हम ये क्या देख रहे हैं? तो हम उस टाइम सोचे थे कि आदमी कौन है, मेरा सोच नहीं है, वो हमको दिखा दे आचार्य देव कि हम कौन है। नारायण है, ठाकुर जी का मुक्त पति है ठाकुर परिवार, ठाकुर परिवार को लेके हम लोग को चलना है, आचार्य देव को लेके चलना है। हम लोग आचार्य देव को ऑल टाइम हमको आचार्य देव के सब बात सुनना है और कुछ नहीं बोलेंगे, सबका शरीर और ये ठीक है और मेरा हिंदी थोड़ा ठीक नहीं है तो यही बात बोल के मेरा इष्ट प्रसंग ये कर रहे हैं। सबको जय गुरु, जय गुरु, बंदे पुरुषोत्तम, बंदे पुरुषोत्तम।